दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पनीर खाने से कई तरह के फायदे होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है कि दूध में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर आपको दूध नापसंद है तो पनीर से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। पनीर भारतीय व्यंजनों में स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी पर्याय बना हुआ है। आज कई तरह की चीज बाजार में आ चुकी हैं, लेकिन पनीर यानी कॉटेज चीज की बात ही अलग है। पनीर को लेकर लोगों के मन में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसे खाना हेल्दी है या नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डॉक्टर ओपी दधीच का कहना है कि पनीर अगर संतुलित मात्रा में खाया जाए तो ये फायदेमंद है, लेकिन अगर ज्यादा फैट वाला ज्यादा पनीर खाया जाए तो नुकसान भी कर सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पनीर खाने के फायदे क्या हैं और ये भी बताएंगे कि पनीर खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पनीर खाने के फायदे, दांत मजबूत बनाने में कैल्शियम का अच्छा स्रोत पनीर होता है। ये रोजाना 8% कैल्शियम आपके शरीर को प्रदान करता है। कैल्शियम दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए उपयोगी तत्व होता है, इसलिए पनीर खाना दांतों के लिए लाभकारी होता है। डायबिटीज में पनीर मैग्नीशियम से भरपूर होता है। मैग्नीशियम रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, इसलिए पनीर खाना डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। हृदय को स्वस्थ रखने में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट इन जैसी गंभीर बीमारियों के पीछे दिल का स्वस्थ न होना एक बड़ी वजह होती है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखने के लिए पनीर खाएं। पनीर में पोटेशियम होता है जो कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है और दिल को स्वस्थ रखता है, इसलिए पनीर खाना दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। हड्डियां मजबूत बनती हैं। कैल्शियम पनीर में भरपूर मात्रा में होता है जो कि मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व होता है, इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए भी पनीर का सेवन लाभकारी होता है। पेट के लिए मैग्नीशियम और फास्फोरस संयुक्त पनीर में लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती हैं। पनीर खाने से कब्ज जैसी परेशानियां नहीं होती हैं, इसलिए पनीर खाना पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए पनीर में फोलेट पाया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स विटामिन बी होता है, इसलिए पनीर खाना माता और शिशु दोनों की सेहत के लिए लाभकारी होता है। गर्भावस्था में पनीर का सेवन करने से रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और खून की कमी नहीं होती है। कैंसर से बचाव के लिए पनीर में लिनोलिक एसिड होता है जो कि कैंसर से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पनीर में विटामिन बी भी होता है जो कि शरीर को बीमारियों से बचाता है। वजन बढ़ाने का सुरक्षित तरीका होता है पनीर का सेवन। लो फैट पनीर का सेवन करने से धीरे धीरे आप अपने लक्षित वजन को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए पनीर वजन बढ़ाने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है। प्रोटीन के लिए प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए काफी जरूरी होता है, इसलिए वर्कआउट करने वाले लोग प्रोटीन का सेवन करने पर जोर देते हैं। साथ ही प्रोटीन शरीर में जमा नहीं होता है, इसलिए वजन कम करने के लक्ष्य से भी लोग पनीर खाते हैं। 100 ग्राम पनीर में लगभग 11 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन मांसाहारी खाद्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का अच्छा विकल्प होता है। चलिए अब बात करते हैं कि पनीर को कब खाना चाहिए। एक्सरसाइज के कुछ घंटे बाद पनीर खाना सबसे बेहतर है। खाना खाने के एक घंटे पहले पनीर खाना ओवर ईटिंग से बचाव करता है। पनीर के नुकसान, अगर पनीर बनाने का दूध पॉस्चराइज नहीं है या पनीर कच्चा खा रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अगर पनीर बनाने में हॉल मिल्क का यूज हुआ है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की समस्या हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि पनीर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने अजीज लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के और भी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें और आप भी यूं ही लगातार फायदा उठाते रहें। धन्यवाद।